भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे कब कहां हुआ जाने विघ्नहर्ता के बारे में रोचक तथ्य है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार वेंसडे का दिन भगवान श्री गणेश श्री ज्ञानेश को समर्पित बताया गया है। यही कारण है कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश लोद गणेश को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जातकों के सारे संकट दूर होते हैं। भगवान श्री गणेश को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। उनकी पूजा से पहले कोई भी मंगलवार कार्य शुरू नहीं किया जाता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि भगवान गणेश का जन्म कैसे कब और कहां हुआ। कैसे हुआ भगवान गणेश का जन्म? शास्त्रों में वर्णित तथ्यों में बताया गया है कि माता पार्वती द्वारा पुण्य व्रत के फल स्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ। पुराणों में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है कि माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने महल से की थी। माथुर ब्राह्मणों के इतिहास के अनुसार अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश का मध्याह्न के समय जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म सत्युग में हुआ था। जाने कहां हुआ था भगवान गणेश का जन्म? उत्तर काशी जिले के डोडीताल को गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान है। डोडीताल, जो कि मूल रूप से बुग्याल के बीच में काफी लंबी चौड़ी झील है, वहीं भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि किल्सो, जो मूल रूप से एक पट्टी है, पहाड़ों में गांवों के समूह को पट्टी के रूप में जाना जाता है, का मूल नाम कैलाशु है। इसे स्थानीय लोग भगवान शिव का कैलाश बताते हैं। केलशु क्षेत्र असी गंगा नदी घाटी के साथ गांवों को मिलाकर बना है। भगवान गणेश को स्थानीय बोली में डोडी राजा कहा जाता है, जो केदारखंड में गणेश के लिए प्रचलित नाम डोंडीसर का अपभ्रंश है। मान्यता अनुसार डोडीताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता था और डोडीताल भगवान गणेश की माता और शिव जी की पत्नी पार्वती का स्नान स्थल था। स्वामी चिद्मयानंद के गुरुवार रहे स्वामी तपोवन ने मुद्गल ऋषि की लिखी मुद्गल पुराण के हवाले से अपनी किताब हिमगिरी विहार में भी डोडीताल को गणेश का जन्म स्थल होने की बात लिखी है। वैसे कैलाश पर्वत तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती विहार करने आई थी, तभी गणेश जी का जन्म हुआ था।